हेलो गाइस, आज हम इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट है ट्रिपल ईएस, जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आता है। इस पूरे सब्जेक्ट को कम से कम टाइम में कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे इसमें 5 यूनिट्स हैं: एनर्जी, इकोसिस्टम, एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, सोसाइटी एंड यू। तो हम पाँचों को जल्दी से जल्दी निपटाएंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप अपनी कॉपी और एक पेन उठा लीजिए, जो जो आपको मेन पॉइंट लगे, और मैं हाईलाइट भी कर दूँगा कि ये मेन पॉइंट है, तो आप उस पॉइंट को अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं और आके नोट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर आप एग्ज़ाम के टाइम पे उसको पढ़ के जा सकते हैं, तो आप अच्छे से अच्छे मार्क्स गेट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं एनवायरमेंट इंटरेक्टिंग, जब भी हमारा कोई लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग आर इंटरेक्टिंग, दैट्स कॉल्ड इकोसिस्टम। दैट्स अवर फर्स्ट चैप्टर नेम। सो ये इंट्रो, पहले इंट्रो चलेगा, देन हम धीरे धीरे उसके टॉपिक्स कवर करते चलेंगे। तो आप समझ गए होंगे, लिविंग थिंग प्लस नॉन लिविंग थिंग इक्वल्स टू इकोसिस्टम। अब लिविंग थिंग हमारे बायोटिक और नॉन लिविंग थिंग हमारे एबायोटिक, ठीक है। तो इकोसिस्टम दो कंपोनेंट्स में क्लासीफाई हुआ, एक हो गया बायोटिक कंपोनेंट, एक हो गया एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट मींस लिविंग थिंग्स, और एबायोटिक मीन नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग्स माने हम आप जानते ही बहुत अच्छे से, बहुत सारी चीज़ें आप खुद एग्जांपल दे सकते हैं, आपका प्लांट्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए। एबायोटिक आपकी क्लाइमेट, टेम्परेचर, जो जिनमें लिविंग चीज़ नहीं है सब नॉन लिविंग है, तो हो जाएंगे माने एबायोटिक। अब हमारे बायोटिक भी तीन टाइप्स होते हैं: प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। तो हम अब इनके बारे में बात करते हैं अच्छे से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा जो प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर मतलब प्लांट जो अपना खुद सेल्फ फूड बनाए, जो किसी पे डिपेंड ना हो, देयर सेल्फ प्रोडक्शन देयर फूड, ग्रीन प्लांट्स, ऑटोट्रॉप्स ही कहते हैं इनको। हम आते हैं कंज्यूमर पे, प्राइमरी कंज्यूमर। कंज्यूमर्स भी हमारे तीन तरीके के होते हैं: प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टॉप कंज्यूमर। हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, दे आर ओनली डिपेंड ऑन प्लांट्स प्राइमरी कंज्यूमर हमारे। जैसे हमारे सिर्फ जो काऊ होती है, काऊ हमारी ग्रास खा लेती है, इंसेक्ट्स हमारे ग्रास खाते हैं, रैबिट भी हमारे, जो भी हमारे प्लांट्स खाते हैं वो सब प्राइमरी होते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर द एनिमल विच ईट प्राइमरी कंज्यूमर, ऐसे एनिमल जो कि इन रैबिट का उनको खाते, जैसे हमारे टाइगर हुआ, लॉयन हुआ, इनको खा लेते हैं। अब टॉप कंज्यूमर होते हैं हम, दे ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल, ह्यूमन बींग। तो आप देख सकते हैं, हम प्लांट को भी खा सकते हैं, एनिमल को भी खा सकते हैं। हम एप्पल खाते हैं, हम मीट खाते हैं, तो हम एक वो हो गए ओमनीवोरस। अब आते हैं डिकम्पोजर्स। डिकम्पोज आर दोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच डिकम्पोज द डेड ऑर्गेनिक मैटर और फीड टू फुलफिल देयर फूड नीड। सो आप देख सकते हैं, ऐसे किसी फॉरेस्ट एरिया साइड अगर हम देखें, कोई एनिमल की डेथ हो गई, तो उसकी डेथ होने के बाद उसको डिकम्पोजर्स वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर देते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फूड है डेड ऑर्गेनिक मैटर। सो आप समझ सकते हैं, जैसे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिक हो गए एल्गी, फंगाई, बैक्टीरिया। और ये हमारा पूरा देख सकते हैं बायोटिक कंप्लीट हुआ। बायोटिक में हमने तीनों एक्सप्लेन कर दिया, और होते हैं ए बायोटिक पे, तो हमारे इकोसिस्टम क्लासिफिकेशन फिनिश। अब देख, ए बायोटिक क्लाइमेटिक फैक्टर डिपेंड करता है पीएच, ह्यूमिडिटी, सॉइल, वाटर, एयर। इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो हमारा होता है, जैसे हमारे जो हमने केमिस्ट्री पढ़ी थी उसमें हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, वही सारे कंपाउंड्स हमारे कैल्शियम, मैग्नीशियम। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, लिपिड्स, सब आप पढ़ चुके आए हो पहले। अब आते हैं सेगमेंट। सो गाइस, आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने है ना आपको अभी समझा रहा हूँ, तो जैसे इसके पूरे नोट्स बने हुए हैं, और आपको मेरे नोट्स चाहिए, आप देख सकते हैं ये एरो है, इस एरो का दबा सकते हैं, इस एरो को दबाएंगे और इसको करें डिस्क्रिप्शन, जो लिखा हुआ है इधर आपको मेरी लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको मेरे पूरे फुल नोट्स मिल जाएंगे ट्रिपल ईयर्स के। सो ये आप देख सकते हैं एरो को, इस एरो को भूलिएगा मत दबाना। सो अब चलिए आपको कुछ बता दूँ, इस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब रेड बटन को दबा के, और ये बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। चलिए थैंक्स, देखते रहिए आप वीडियो पूरी। सेगमेंट ऑफ इकोसिस्टम, सेगमेंट ऑफ इकोसिस्टम में हमारे 4 टाइप्स होते हैं: हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फीयर।
अब जिसके पीछे स्फीयर लगा, स्फीयर माने अर्थ, और आप जानते हैं हाइड्रो माने वाटर, वाटर ऑन स्फीयर, पर द स्फीयर इन विच सरफेस इज कवर्ड विद द वाटर इज नोन एज हाइड्रोस्फीयर सच एज, मतलब हम ये मांग चलिए 71% कवर्ड विद वाटर, ठीक है। और देन बायोस्फीयर, बायो माने लिविंग, स्फीयर माने अर्थ, डेड स्फीयर इज मीन सर्वाइव द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोस्फीयर, ठीक है। लिथोस्फीयर, डेड स्फीयर इन विच द अपर लेयर इज सॉलिड और रिजिड इज नोन एज लिथो, मतलब इस फील्ड में अपना लिथोस मान, लिथो माने लैंड, स्फीयर माने अर्थ, ठीक है। एटमोस्फेयर में अपने ईयर आ जाएंगे, डेड स्फीयर इन विच एज द प्रोटेक्टेड ब्लैंकेट ऑफ गैसेज विच सराउंडेड द अर्थ, इट प्रोटेक्ट द अर्थ, पढ़ सकते हैं हमारा ही। अब आते हैं बायोडाइवर्सिटी पे, तो सो बायोडाइवर्सिटी वही, बायो मीन्स लाइफ, लाइफ एंड लिविंग, डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी। अब लाइफ वेराइटी इससे हम क्या समझें कि जैसे कि ह्यूमन बींग होते हैं, हर ह्यूमन बींग कैटेगरी तो एक ही है ह्यूमन बींग, पर सब डिफरेंट डिफरेंट है, वेराइटी इसमें प्रेजेंट है, मतलब हर एक को हम देखते हैं, हम कहते हैं ये पर्सन है, ये पर्सन है। हमारी बर्ड्स है तो हमारी बर्ड्स एक अलग कैटेगरी, ऐसा समझ पा रहे हैं, मतलब लाइफ है और लाइफ में वेराइटी है, मतलब एक कैटेगरी की कई सारी वेराइटीज़ हैं, जैसे मैं आप सब जो भी देख, आप जिसको देख सकते हैं वो सब वेराइटी में प्रेजेंट है, ठीक है। डिफरेंट जैसे हमारे इंसेक्ट्स हो गई, इंसेक्ट में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स होती हैं, हमारे कॉकरोच, ग्रास ऊपर, तो ये। अब हम आते हैं बायोडाइवर्सिटी की टाइप्स पे, जेनेटिक, स्पीसीज और इकोसिस्टम। सो आप देख सकते हैं आर चेंजिंग ट्रांसफर ऑफ वन जीन टू अनदर जनरेशन, ठीक है। ये आपको अच्छे से समझाता हूँ मैं, चले आप अच्छे से समझाइएगा। जेनेटिक, जेनेटिक में क्या होता है, हमारी हमारे जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। आप देख सकते हैं हमारे जैसे रोज़ होते हैं, रोज़ भी हमारे तीन टाइप के होते हैं, रेड रोज़, ब्लैक रोज़, ऐसे जितने भी आप रोज़ के नाम सुने ऐसे अलग अलग होते हैं। ड्यू टू वेरिएशन इन, जैसे आप देख सकते हैं समय से इनमें चेंजेस आ रहे हैं, तो मतलब जीन्स चेंज होते हैं, हम कहते हैं फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन के ह्यूमन बीइंग वही वाला जनरेशन, जेनेटिक वो जेनेटिक की वजह से हो रहा है। और देन स्पीसीज, व्हेन मोर देन टू स्पीसीज आर देन देयर इज सम डिफरेंस। तो आप देखिए लाइक जैसे हमें को जेनेटिक का एक और एग्जांपल, डिफरेंट हाइट, हेयर्स, आई, जैसे हम ह्यूमन बींग में बहुत से लोगों की डिफरेंट हाइट होते हैं, ह्यूमन बींग पर डिफरेंट हाइट है, हेयर, आईज, सब अलग अलग होता है, ठीक है। अब हम आते हैं स्पीसीज पे, स्पीसीज ये होती है कि एक पर्टिकुलर एरिया में डिफरेंट टाइप के स्पीसीज, मीन्स हमारा सपोज से कोई एक सिटी है, जैसे हम मान लेते हैं हमारा कोई भी आप शहर ले लीजिए, उस एक शहर है ए, सिटी ए, उस ए सिटी में डॉग्स हैं, हॉर्स है, एलिफेंट है, मतलब अलग टाइप की स्पीसीज हैं, तो उसको हम स्पीसी बायोडाइवर्सिटी का एक पार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं अब स्पीसीज में भी दो तरीके की होती हैं, एक होता है स्पीसीज रिचनेस, एक होता है स्पीसीज इवननेस। रिचनेस का जैसे हमारे एक पर्टिकुलर एरिया में डॉग ज़्यादा हैं, हॉर्स लिमिटेड है, एलिफेंट कम है, तो आप देखिए वन 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 माने डॉग, टू टू माने हमारे हॉर्स, और एलिफेंट थ्री, तो देखिए वन 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 सबसे ज़्यादा है, तीन है और दो हॉर्स हैं, एक एलिफेंट, तो हम कहेंगे हमारा जो डॉग है वो स्पीसीज रिच है, ठीक है। अब स्पीसीज इवननेस मतलब सब तीनों सेम बराबर सेम अमाउंट में स्पीसीज हैं। और आते हैं इको सिस्टम बायोडाइवर्सिटी इन एक्वेटिक। अब आप देख सकते हैं हर एक पर्टिकुलर एरिया में खुद का इको सिस्टम बन जाता है, तो वैसा ही है द स्पीसीज अडेप्ट द एनवायरमेंट, बर्ड कैन बी सर्वाइव इन एक्वेटिक। और देखिए हमारे जैसे एक सपोज से हमारा एक्वेटिक एक इको सिस्टम बन गया, एक्वेटिक में हमारे उसके एक्वेटिक प्लांट्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स में वाला फिश फिश एंड एक्वेटिक प्लांट्स भी हैं, तो वो उनके अंदर फूड चेन चलती है, फूड साइकिल चलती है, तो आप देख सकते हैं उनके खुद को, अगर आप फिश को बाहर निकाल लेंगे तो वो डेथ हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो क्योंकि उसको उस इकोसिस्टम की हैबिट पड़ चुकी है एक्वेटिक की, ऐसी बर्ड को एयर की हैबिट पड़ चुकी है, उसका अगर वाटर में डालेंगे तो वो मर जाएगी, तो वैसा ही है। और आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इको सिस्टम, बैलेंस ऑफ इको सिस्टम, दे आर मैनी लॉट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे मेंटेन अ फूड चेन विच
बैलेंस एस्थेटिक वैल्यू, इट क्रिएट एस्थेटिक टू आवर अर्थ। समझ सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट क्लियर, सेकंड भी क्लियर। वेरियस फूड वैरायटी, जैसे हम ह्यूमन बीइंग के लिए प्लांट भी खा सकते हैं, एनिमल खा सकते हैं, मीट भी खा सकते हैं, तो आप देख सकते हैं हमारी बहुत वैरायटी है फूड की। हम प्लांट्स को मेडिसिनल यूज भी कर सकते हैं, तुलसी तो हमारा ऐसे रिलीजियस वैल्यू है। तो वही लिखा है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू हाई पॉपुलेशन रेट, एक तो फर्स्ट हो गया पॉल्यूशन एयर वाटर, ये वाला पॉइंट आपको आगे समझ में आएगा। सेकेंड वाला नेचुरल रीजन, फॉरेस्ट फर्स्ट अपर्स सम इंसेक्ट्स डस्टिंग द प्लांट, ठीक है, नेचुरल रीजन है ये। फॉरेस्ट में फायर लग गए एकदम से, सम इंसेक्ट्स डिस्ट्रॉय द प्लांट, ठीक है, फॉर रिसर्च पर्पस ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। जैसे अब आजकल हर कोई शहर में आ रहा है तो वो हमारी इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हो रही है तो वो पेड़ कट करती हैं ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन। पाउचिंग मीन्स हंटिंग ऑफ एनिमल, हम बहुत सारे एनिमल को हंट कर रहे हैं ड्यू टू। तो ये सब क्लियर होगा, पाउचिंग माने हंटिंग एनिमल। सो सब इजी लैंग्वेज में है। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये दो टाइप होते हैं, इन सेतु एक्स सेतु। स्पीसीज आर लेफ्ट इन देयर नेचुरल हैबिटेट, एक्स सेतु माने कि स्पीसीज को ले लो लेबोरेटरी में। अब इन सेतु होता है, इन सेतु हमारे दो टाइप होते हैं, नेचुरल पार्क, नेशनल पार्क ले लो और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ले लो। नेशनल पार्क में आप नो हंटिंग, नो ग्रेजिंग, नो कलेक्शन ऑफ मिल्क, एंड कोई भी हम उसका एनिमल से जो भी हमें चीज़ें मिलती हैं प्रोडक्ट्स उनको हम नहीं ले सकते, और यहाँ नॉर्मल पीपल नहीं जा सकते, यहाँ से टूरिस्ट जा सकते हैं नेशनल पार्क में, और वाइल्ड लाइफ में कोई भी जा सकता है, बस आप नो हंटिंग, ये कंडीशन है। ये नेशनल पार्क डिफरेंट फ्रॉम जू है, ये जू जैसा नहीं है, इसमें जेल में नहीं रखते एनिमल्स को, खुला छोड़ते हैं। नेशनल पार्क का एग्जाम्पल हो गया पेरियार नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव ओमकार, तो आप देख सकते हैं बहुत सारे हैं। ओनली फॉर टूरिस्ट वाइल्ड लाइफ लेस प्रोटेक्टेड देन नेशनल पार्क, बिकॉज यहाँ पे कोई भी आ सकता है, पर नेशनल पार्क में सिर्फ टूरिस्ट जा सकते हैं, लाइक ग्रेजिंग ऑफ, ठीक है। हम तो आते हैं चिल्का लेक हो गया हमारा, बायोस्फीयर रिजर्व, जैसे हमारे एक कोई बड़ा सा एरिया, बड़े से एरिया में एक नेशनल पार्क है, दो वाइल्ड लाइफ है, तो इसको हम कहेंगे बायोस्फीयर रिजर्व। हमारे पूरे इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ठीक है, नीलगिरी दादरा, ठीक है। अब हमारा एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और एक टाइगर रिजर्व है, बीच की जो स्पेस है उसको हम कहते हैं मिडिल पोर्शन बफर कंजर्वेशन रीजन। ये 34 है हमारे पूरे इंडिया में, ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं वाटर पॉल्यूशन पे, फैक्टर अफेक्ट्स पॉल्यूटेंट, केमिकल फर्टिलाइजर, टॉक्सिक कंपाउंड बाय विच वाटर गेट कंटामिनेटेड, ठीक है। पॉल्यूटेंट को अगर हम वाटर में डालेंगे तो हमारा वाटर कंटेमिनेटेड हो जाएगा। वो दो टाइप होते हैं, तीन टाइप होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल, कोलाइडल, सॉल्युबल। सस्पेंडेड सबसे बड़ा साइज देखिएगा आपको ज़्यादा भी, डर्टी वाटर और हमारा इमल्शन इन वाटर जो स्मॉल पार्टिकल होता है, इसके मुकाबले में सॉल्युबल मीन्स सॉल्युबल हो जाता है। वाटर बॉडीज, ये बार बार यूज़ करेंगे, वाटर बॉडीज मीन्स एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर, ठीक है, रिवर लेक इंडस्ट। अब हमारा एक वाटर बॉडी, उसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट चलते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज, जो भी हमारे हाउस होल्ड होता है, डोमेस्टिक वेस्ट जो हमारे घर में निकलता है किचन विचन में से, और हमारा माइनिंग करके एग्रीकल्चर, ये सब हम इसमें डालते हैं, तो हमारा जैसे पॉल्यूटेंट्स हैं, ये सब हमारे वाटर को कंटेमिनेटेड कर देते हैं। एडवर्स इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ, हम वही पानी पियेंगे सपोज, या कुछ भी हम पानी को यूज पूरे दिन भर करते हैं तो कोलेरा हो सकता है। एक्वेटिक लाइट वाटर गेट पॉल्यूटेड, डिजॉल्व ऑक्सीजन गेट रिड्यूस, हम इसको वाटर में डालेंगे अपने पॉल्यूटेंट्स को तो वो ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देगा। यूट्रोफिकेशन, सम न्यूट्रिशन लेस प्रोडक्ट इन वाटर, लाइक हमारे एल्गी अगर वाटर में है तो वो हमारे उसकी ऑक्सीजन के रिड्यूस लेवल कर देती है क्योंकि न्यूट्रिशन लेस होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बायो मैग्निफिकेशन, इसको अच्छे से याद करिएगा। सम हैजर्डस मेटल और हार्मफुल मेटल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्रांसफर टू इन द वाटर, अगर हमारा कोई भी मेटल वाटर में गया तो वो जो वाटर में जो एक्वेटिक लाइफ होती है तो वो एक्वेटिक प्लांट्स में जो प्रोड्यूसर होगा वो उस मेटल को एब्जॉर्ब कर लेगा, और उसको हमारी जो प्रोड्यूसर को हमारी सपोज से प्लांट है, उस प्लांट को किसी स्मॉल फिश ने खा लिया तो वो जो हमारा मेटल का जो अफेक्ट है वो उस फिश में पहुँचेगा, और फिश को कोई बड़ी फिश खा लेगी, ठीक है, ऐसे ही पूरी फूड चेन चलेगी, तो ये सब लोगों में फैल जाएगा, फिर वो अल्टीमेटली ह्यूमन बींग तक ही पहुँच जाएगी, तो ये बहुत नुकसान वाली बात है। हमारे सॉइल पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री मेकिंग प्रोडक्ट्स, वेस्ट मटेरियल जनरेटेड, नॉट ईजिली डिस्पोज, नॉट डम्प, ठीक है। अर्बनाइजेशन, क्राउडेड, डिफॉरेस्टेशन ऑफ फॉरेस्ट, ओवर पॉल्यूशन ड्यू टू पॉपुलेशन, वी यूज
ड्यू टू पॉपुलेशन डिमांड इज हाई, अपनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है दिन बढ़ दिन, तो हमारी रिसोर्सेज लिमिटेड है, डिमांड हाई है, तो इस डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए वी यूज पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड क्या होता है, जैसे हमारी क्रॉप जनरेट हो रही थी, पेस्टिसाइड डालने से वो जस्ट ट्रिपल जनरेट होगी या कुछ भी, मतलब उससे वो बहुत ज़्यादा हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी पूरी पॉपुलेशन। लॉट्स ऑफ वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस, सॉइल इज डिफरेंट फ्रॉम पाउडर रॉक, ठीक है, द फॉर्मेशन बींग वेस्ट, सॉइल हमारी बनती है 25% एयर, 25% वाटर, 45% मिनरल्स और अपना 5% ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। सॉइल क्वालिटी डिफाइंड बाय द, सॉइल की क्वालिटी किससे डिफाइन होती है, पता है आपको, माइक्रोबियन एक्टिविटी। माइक्रोबियन एक्टिविटी कहते गुड अमाउंट ऑफ फंगस बैक्टीरिया विच कैरियर सम माइक्रोबियल एक्टिविटीज, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ डिपेंड ऑन सॉइल, इफ सॉइल इज गुड देन द क्रॉप विल बी गुड। इस लाइन को आपको समझाता हूँ, जैसे क्या होता है हमारी सॉइल में हम कुछ भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डाला उसकी माइक्रोबियल एक्टिविटी बहुत अच्छी है, तो उसमें क्रॉप जो होगी वो बहुत अच्छी जनरेट होगी, तो वो क्रॉप को ह्यूमन बींग खाएगा तो ह्यूमन बींग हेल्थी रहेगा। बट अगर उस क्रॉप में उस अगर हम सॉइल में ही पेस्टिसाइड डालेंगे तो पेस्टिसाइड्स उस क्रॉप में चली गई, जो हम उस क्रॉप को ह्यूमन बींग खाएगा तो ह्यूमन बींग बीमार हो जाएगा। तो ये है हाउ सॉइल इज फॉर्म। 1 inch जो हमारी अपर लेयर होती है सॉइल की, उसको 1 inch को 100 से 10,000 साल लगते हैं बनने में। पेरेंट रॉक, ठीक है, वेदरिंग, और जैसे हमारे सपोज एक रॉक, रॉक को बहुत ठंडा कर लो, उस ठंड जैसे सपोज एक रॉक पूरा फ्लेम के नीचे रख दो, बहुत गर्म हो, उसको तो पानी फेंको क्रैक हो जाएगा, तो इस रॉक की हो जाएगी। टेस्ट ट्यूब को हीट कर दो देन उसको वाटर में डालो, क्रैक हो जाएगी। तो ये सब प्रॉपर्टीज है, और देख सकते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ये हमारे सॉइल प्रोफाइल है, उससे नीचे रॉक्स, फिर मिनरल्स, फिर हमारे यहाँ बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जिसको 10,000 साल लग जाते हैं बनने में 1 inch को। तो देख सकते हैं टॉप सॉइल इज IMP, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, यूरिया। अब जैसे क्या होता है, यूरिया में नाइट्रोजन होता है और सॉइल वॉन्ट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन होता है, तो हम अगर डायरेक्ट नाइट्रोजन उसको दे नहीं सकते तो हम क्या करेंगे, सो व्हेन वी ऐड यूरिया इन सॉइल, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया होता है, ये क्या करता है, यूरिया को ब्रेक करता है और नाइट्रोजन निकाल देता है, उसको नाइट्रोजन को रूट्स तक पहुँचाता है, जिससे हमारा प्लांट डज नॉट रिक्वायर यूरिया इन वन सॉइल वी ग्रोइंग सेम क्रॉप। हाँ, इस पर आगे आते हैं, तो हमारा क्या होता है, नाइट्रोजन ब्रेक करके उसको यूज़ करता है, उससे प्लांट ग्रो जल्दी होता है, उसको यूरिया की जरूरत है, उसको नाइट्रोजन की जरूरत होती है। हम आते हैं नए पॉइंट पे, अगर हम एक ही सॉइल में एक ही क्रॉप जनरेट कर रहे हैं तो उससे उससे वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिक जो उसके विटामिन या कह सकते हैं हम जो भी एलिमेंट्स हैं इनऑर्गेनिक वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे हम पालक उगा रहे हैं एक ही सॉइल में, बार बार पालक ही पाई, तो आयरन पूरा ख़त्म हो जाएगा उस पर्टिकुलर सॉइल में। तो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी, बायोलॉजिकल। फिजिकल में उसका कलर कैसा है, टेक्सचर कैसा है, कंपोनेंट कैसा है। केमिकल में उसका पीएच ऑफ द सॉइल, लाइक अगर हमारा पीएच 5.5 टू 7.5 है तो हमारी सॉइल अच्छी है, मतलब अगर हमारी इफ द सेम क्रॉप वी आर ग्रोइंग द सेम एसिडिक, अगर मैं आपको बताया पालक की किस्म, जैसे पालक बड़ा पालक उगाएंगे तो वो एसिडिक हो जाएगी हमारी पर्टिकुलर सॉइल, मतलब उसका बिलो 5.5 चला जाएगा, हमने ऑर्गेनिक रिएक्शन, ठीक है। और अगर सॉइल फर्टिलिटी को बीस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो सॉइल फर्टिलिटी के लिए तीनों प्रॉपर्टी होनी चाहिए, देन हम आते हैं ऑर्गेनिक मैटर प्लस माइक्रोबियल एक्टिविटी। इफ वी एड एनी हार्मफुल सब्सटेंस सिंक टू द सॉइल इट विल माइक्रोबियल एक्टिविटी सॉइल, ठीक है। सिंबल्स, हम आते हैं सॉइल कंजर्वेशन, प्लांट ट्रीज टेरेस प्रिवेंट सॉइल इरोजन, रेन वाटर अटैक, जैसे हम कुछ पर्टिकुलर एरिया में टेरेस टाइप बना दें, वहाँ पे जब हमारा रेनफॉल होगी तो हर एक पॉइंट पे हमारा वाटर जाएगा। नो फाइल फॉर्मिंग, किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर्मिंग, ठीक है। क्रॉप रोटेशन, सॉइल पीएच मेंटेन रहे हमारा, सॉइल को वाटर करते रहें। सैनिटी मैनेजमेंट, ठीक है, सॉइल ऑर्गेनिज्म, इंडिजेंसी क्रॉप डिफिल्ट्रेशन, ठीक है, बायोमैग्निफिकेशन। हम आते हैं अब एक अच्छा टॉपिक है ये, बायोमैग्निफिकेशन, NPK, ठीक है, नाइट्रोजन फॉस्फोरम सोल, ठीक है। जब फाइलोप्लैंकटन, ये क्या होता है, जो हमारा एक्वेटिक प्लांट होता है ना उसको हम कहते हैं फाइलोप्लैंकटन, ठीक है। जब फाइलोप्लैंकटन
में एनपीके जाता है, ठीक है, एनपीके जाएगा तो वो स्मॉल हमारी फिशेस खाएंगी, उन स्मॉल फिशेस को बर्ड खा लेगी, बर्ड मीन्स हमारे कोई भी आप बर्ड समझ लीजिए, उस बर्ड को खा लेगा मैन, ठीक है। और ये जो हमने है ना, ये कैसे पहुंची थी एनपीके कैसे पहुंची थी हमने, डीटीडीसी मतलब हमारे पेस्टिसाइड्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स को हमने कहाँ डाला था, पेस्टिसाइड्स को हमने अपने फार्म में डाला था, उस फार्म से नीचे पहुँचा ग्राउंड वाटर पहुँचे, ग्राउंड वाटर में हमारा ये पूरा था, ठीक है, आप समझ रहे हैं, ग्राउंड वाटर में पहुँचा डीटीडीसी, डीटीडीसी के एक्वेटिक प्लांट फिश, फिश बर्ड मैन, ऐसे मैन अफेक्ट हुआ, ठीक है। ड्यू टू डीटीडीसी द सेम बर्ड्स आर डिपेंड ऑन एयर वाटर ओडर पर पॉल्यूटेड ड्यू टू द बर्ड हैव डिफिशेंसी, जैसे क्या होता है हमारी बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स एग देती हैं, तो एग देता है जब उनका कैल्शियम प्रॉपर होता है, अब क्या होता है जैसे डीटीडीसी उनकी बॉडी पहुंच गया, जैसे अगर आप किसी बर्ड के अंदर डीटीडीसी पहुंच गया तो उसमें कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाएगी, और ड्यू टू कैल्शियम डिफिशियंसी जब एग चिक्स देगी तो चिक्स में जो उनकी वाइट कलर की जो बॉडी होती है कैल्शियम की, वो टूटी फूटी होगी, तो वो चिक्स डेवलप नहीं हो पाएंगे, वो वहीं ख़त्म हो जाएंगे। तो ये डिसएडवांटेज है पेस्टिसाइड्स का। और पॉल्यूशन आता है, व्हेन रेट ऑफ पॉल्यूशन इंक्रीजेज आफ्टर सिविलाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग इंक्रीज ड्यू टू द ओवर एक्सप्लॉइटेड रिसोर्स डिग्रेडेशन ऑफ मेकिंग द एनवायरमेंट इम्प्योर बाय मीन्स ऑफ एक्टिविटी, ठीक है, मैन्स एक्टिविटी एंड इज पॉल्यूशन की डेफिनेशन आपको पता ही है चीज। हम आते हैं पॉल्यूटेंट, द पार्टिकल विच आर एडेड टू एयर वाटर लैंड द फैक्टर्स आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट, जो हमारे एयर वाटर लैंड को जिसको भी पॉल्यूट कर दें उसको हम कहते हैं पॉल्यूटेंट। पॉल्यूशन एयर वाटर सॉइल नॉइज रेडियो एक्टिव एयर पॉल्यूशन हम करते हैं जिसमें हमारे इन प्योर एयर 70% N2 होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, 0.037 होता है CO2 और अदर गैसेज इनर्ट होते हैं, वाटर वेपर होते हैं 32% में। इफ यू हैड सम पॉल्यूटेंट एंड मिक्सचर इन डिसबैलेंस क्वालिटी ऑफ प्योर एयर, कुछ भी इसमें अगर ऐड होता है पॉल्यूटेंट तो ये पूरा जो फिगर है बिगड़ जाएगा अपना। रीजंस ऑफ एयर पॉल्यूशन, एक होता है नेचुरल मैनमेड, नेचुरल में डस्ट पार्टिकल आते हैं, स्मोक, फॉरेस्ट फायर, पोलन ग्रेन, वोल्केनिक इरप्शन, ऑटोमेटिक होता है, अपने हाथ में है नहीं कुछ, वेस्ट मटेरियल हम डाल देते हैं वाटर में, ये बर्निंग आप पढ़ सकते हैं, समटाइम केयरलेस ऑफ ह्यूमन बींग, भोपाल गैस स्ट्रेटेजी विच MIS, ठीक है, भोपाल गैस में भी ह्यूमन बींग की वजह विच कंज्यूम द ग्रीन हाउस, डिफॉरेस्टेशन करने से होता है, अगर हम डिफॉरेस्टेशन नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ग्रीन हाउस गैसेज एंड CO2, जैसे अगर हम प्लांट करेंगे ना ट्रीज तो वो हमारे ग्रीन हाउस गैसेज को खा लेगा और CO2 को भी खा के O2 दे देगा, तो बेनिफिट ये प्लांट्स को आने का। एयर पॉल्यूशन गैसेज एयर पॉल्यूशन गैसेज एयर पॉल्यूशन ये होता है पर्टिकुलर एयर पॉल्यूशन, सम गैसेज आर मिक्स इन टू प्योर एयर SO2 CO तो पॉल्यूट हो जाती हैं, पर्टिकुलर इफ एयर पॉल्यूशन ट्रेवल्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस देन प्रेजेंट इन एटमोसफेयर, ठीक है, सब ईजी आप पढ़ सकते हैं। जैसे ये मेरे पूरे नोट्स बने हुए हैं, इससे अच्छे नोट्स बने हुए हैं, मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन से आप ले लेना मेरे से, डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया मैंने नोट्स, आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा आपको मेरे नोट्स मिल जाएंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी पॉल्यूशन आप पढ़ लिया, नॉइस पॉल्यूशन डेसिबल यूनिट ऑफ साउंड आइडेंटिफाई साउंड, ठीक है, हमारे डेसिबल में होता है, अगर 85 डेसिबल से ऊपर होगा तो हमें साउंड फील होगा। ट्रांसपोर्टेशन इन मैनी व्हीकल हॉर्न दे क्रिएट नॉइस, हॉर्न की वजह से क्रिएट होती है। एयरक्राफ्ट जब लैंड होता है टेक ऑफ करता है तब साउंड होता है। इन आवर होम ग्राइंडर से होता है, इंडस्ट्री में सेवरल मशीन विच कैन क्रिएट साउंड, लाउड स्पीकर TV से होता है, काइंड ऑफ ठीक है, ईजी आप पढ़ सकते हैं, नोट्स पूरे प्रोवाइडेड है आप पढ़ लीजिएगा। कंट्रोल्स हम आते हैं NH3, जैसे कि दो तरीके की साइकिल होती है, गैसियस सेडिमेंट्री ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन एटमॉस्फेयर और सेडिमेंट ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन लिथोस्फेयर, ये तीन होते हैं नाइट्रोजन कार्बन हाइड्रोलॉजिकल फॉस्फोरस सल्फर। और NH3 N3 विच आर यूजफुल फॉर प्लांट एंड एनिमल, ठीक है, तो कन्वर्जन जो हमारा डायरेक्ट N2 था वो प्लांट्स में नहीं जा सकता, वो चीज़ उसमें चाहिए नाइट्रेट, नाइट्रेट के लिए ये ग्रुप बना हुआ है देख सकते हैं, एटमोसफेयर N2
ये रहता है नाइट वन फिक्सेशन से रिएक्ट करके NH3 बनता है, फिर क्या होता है हमारा नाइट्रिफिकेशन होता है, NH3 से सीधे NO3 एंड पहले नाइट्राइट बनाता है, फिर नाइट्राइट में इन प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया नाइट्रेट बनाता है, नाइट्रेट बनाने का ये हमारा प्लांट्स को दे मिल कंज्यूम हो जाता है, प्लांट्स को एनिमल खाता है, और जब ये दोनों या कोई भी डेथ होगा तो वापस से अमोनिया सोल्यूशन होगा NH3, ठीक है, फिर हमारा जो NO3 है ना ये ब्रेक हो सकता है वापस से N2 में, क्योंकि नाइट्रोजन साइकिल थी आप देख सकते हैं। आते हैं वाटर साइकिल, वाटर साइकिल पे क्या होता है, वाटर रिसोर्सेज होती है हमारी, वाटर रिवर लेक, ठीक है, और हमारा कुछ सॉइल में भी मॉइस्चर होता है, तो वाटर रिसोर्स से इवेपोरेट हो जाएगा, इवेपोरेट मतलब सनलाइट से इवेपोरेट हो गया, एटमोसफेयर में गया, ठीक है, वैसे ही हमारे प्लांट से ट्रांसपीरेशन हो गया, ट्रांसपीरेशन समझते हैं आप, स्टेम उसके जो लीव से इवेपोरेट हो गया उसको ट्रांसपीरेशन कहते हैं, एटमोसफेयर में गया तो एटमोसफेयर में टेम्परेचर कम होता है, कंडेंस हो जाएगा, क्लाउड बन जाएगा, तो क्लाउड से रन ऑफ हो जाएगा, मतलब पेसिपिटेट हो जाएगा, रन ऑफ होकर वाटर रिसोर्स और पेसिपिटेशन वापस सॉइल में आ जाएगा, इनफिल्ट्रेशन, ठीक है, इसलिए ऐसे अपना कार्बन है, कार्बन में अपनी क्या होती है CO2 हमारा प्लांट्स लेता है और फोटोसिंथेसिस करता है, फिर CO2 रेस्पिरेशन भी करता है, फिर रेस्पिरेशन हो जाएगी हमारा प्लांट का, जैसे हमारा O2 जाएगा CO2 बन जाएगा, फिर ये हमारा प्लांट्स एनिमल की डेथ होगी, तो फिर वो CO2 रिलीज करेगा हमारा, मतलब फॉसिल फ्यूल बन जाएगा, फॉसिल फ्यूल में कंबशन होगा, CO2 वापस बन जाएगा, और एनिमल भी सीधे CO2 छोड़ता ही है रेस्पिरेशन के थ्रू, तो ये पूरा डायग्राम था। सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू थे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ये रेड बटन दबा के एक बेल आइकन पे क्लिक और कर दीजिएगा, इससे आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे, तरह तरह की वीडियो बनाते ही हूँ। सो